पांचवें पारे से कुछ पहले चौथे पारे से मुहर्रमात का बयान है, यानी आदमी किन किन औरतों से शादी नहीं कर सकता। एक मसला बताइए, एक औरत जिसका शौहर मर गया है वो, और उसकी एक जवान बेटी है, दोनों आती हैं एक ऐसे आदमी के पास जिसकी बीवी मर गई है और जिसके बेटे की शादी नहीं हुई है, तो क्या ये आदमी उस औरत से और लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है? यानी लड़का अगर शादी कर ले बेटी से तो बाप भी होगा और ससुर भी होगा, ऐसी शादी जायज है? जायज, कर सकता है जी, कर सकता है। बाप जो है ससुर बन सकता है, सगा बाप। कैसे? इस तरीके से, भैया एक माँ है और उसकी सगी बेटी है और एक बाप है उसका सगा बेटा है। अब बाप माँ से शादी कर लेता है उस लड़की, और लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है जो उस औरत की सगी बेटी, तो बाप इस लड़के का ससुर हुआ, तो ये शादी जायज है? जायज। यहां तक के अगर बाप को वो लड़की पसंद आ जाए तो लड़की से ये कर ले और लड़का मां से कर ले, ये भी जायज है। मसला मालूम हो गया? वल मुहसनातु मिनन निसाई, और वो औरतें हराम हैं जिनकी शादी हो गई है, जिस औरत का शौहर मौजूद हो उस औरत से शादी करना हराम है। बाज़ लोगों को देखा गया है कि बीवी किसी की है और उसको लेकर भाग जाते हैं, वो औरत अपने शौहर को छोड़ करके किसी को लेकर भाग जाती है। तो जो औरत शौहर वाली हो क्या उससे निकाह किया जा सकता है? नहीं, ऑलरेडी वो निकाह में है। इससे पता ये चला कि एक औरत से कई मर्द शादी नहीं कर सकते। ये नुक्ता मालूम। वल मुहसनातु मिनन निसा, जिस औरत की शादी हो गई हो उसका शौहर हो तो उस औरत से शादी करना हराम है। पता ये चला कि एक औरत से कई मर्द शादी नहीं कर सकते। ये एतराज होता है कि एक मर्द ज्यादा से ज्यादा चार औरतों से अगर शादी कर सकता है तो औरत को क्यों नहीं इजाजत दी जाती कि औरत भी चार मर्दों से शादी कर सके? जवाब उसका इस आयत करीमा में मौजूद है। वल मुहसनातु मिनन निसा, जिस औरत की शादी किसी आदमी से हो गई हो कोई आदमी उससे शादी नहीं कर सकता। यह नकली दलील है कि औरत एक मर्द से जायद मर्द से शादी नहीं कर सकती। और इसकी एक और वजह है और एक और सबब है कि औरत को इजाजत नहीं है कि एक से ज्यादा मर्द से शादी करे, क्योंकि उसमें नसब मालूम नहीं होगा, और अगर नसब मालूम नहीं होगा तो फिर हुकूक और फराइज की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? मसलन चार आदमियों ने एक औरत से शादी कर ली, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा किसका है पता नहीं। अब जब मालूम नहीं कि बच्चा किसका है तो हुकूक और फराइज की जिम्मेदारी इन चार मर्दों में से किसके ऊपर डाली जाए? इस वजह से दुनिया में भी एक औरत
چار مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، اور جنت میں بھی ایک عورت چار مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، وہاں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ وہاں بھی بچے پیدا ہوں گے، وہاں بھی اگر ایک عورت کو اجازت دے دی جائے کہ چار مردوں سے شادی کرے تو وہاں بچے ہوں گے، تو کس کا بچہ مانا جائے؟ اور وہاں تو ایسا مرد دے دیا جائے گا کہ عورت کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا میں جب اجازت نہیں ہے تو جنت میں اجازت کا کوئی سوال ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو عورت شادی شدہ ہو اس سے شادی کرنا حرام. اس کے بعد کہا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب سے تم شادی کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے. یہ جتنی عورتیں بیان کی گئیں جو محرمات کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں. یہاں تک کہ ہمارے یہاں چاچی سے بھی شادی جائز ہے. جی چچا اگر مر جائے تو بھتیجا چچی سے شادی کر سکتا ہے، ہمارے چچی سے شادی جائز ہے، اس لیے کہ وہ وحی لکم ما وراء ذلکم کے دائرے میں آتی ہے.